कौन जान सकता है। But हमारा जो जम्मू कश्मीर, do you really think that terrorism is affiliated with army? आर्मी पाल रही है, प्रॉक्सी वॉर इंडिया के खिलाफ चल रहा है, मतलब इंडिया के खिलाफ इन लोगों ने चलाया है। अब उसका इस्तेमाल ये अपने पॉलिटिकल राइवल्स को खत्म करने के लिए कर रहे होंगे, हो सकता है कर रहे हो, इसके इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है। हमारा कश्मीर है वो, आपने जो ऑक्यूपाई कर रखा है वहां अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है जल्दी सर वहां भी आपका कहें, कश्मीर लेकिन नहीं है, आपका कश्मीर नहीं है, वो हमारा कश्मीर है और एक दिन हम लेके रहेंगे। अच्छा ये भी एक ख्याल अच्छा है कहने सुनने के लिए, लेकिन ज्यादा इजाफा हुआ है। हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि इंडिया की ये वर्ल्ड इमेज बनेगी, और ये किस वजह से हुआ है। मोदी जी 8 सालों में एक दिन की भी छुट्टी नहीं लिए, आज तक भी उन्होंने एक दिन की छुट्टी नहीं ली, और वो जब किसी वर्ल्ड लेवल पर मीटिंग में जाते हैं, वन टू वन टॉक के लिए किसी भी एक कंट्री में जाते हैं, तो उनकी जैसे मीटिंग होगी ना, तो मीटिंग इस तरह से होती है उनकी कि साहब सुबह 9 बजे एक मीटिंग, फिर दिन में 11 बजे एक मीटिंग, फिर 2 बजे एक मीटिंग, फिर 4 बजे मीटिंग, 5 बजे मीटिंग, रात 9 बजे मीटिंग, और उसके बाद उसी दिन रात को प्लेन से चढ़ के चल के आ जाते हैं। पाकिस्तान की फौज में अभी इतना दम नहीं है कि फर्स्ट हैंड आकर के लड़ाई लड़ लें, वो प्रॉक्सी वॉर ही लड़ सकते हैं, ये ही उनकी काबिलियत है, इससे ज्यादा वो आगे बढ़ नहीं सकते। क्योंकि 1948 में एक जंग हुई थी, उसमें हारे, 1965 में हुई थी लाहौर में एक पुलिस स्टेशन में जो झंडा फहरा है, मेरे पास कुछ किताबें पड़ी होंगी, मैं कभी उसकी फोटो आपको भेजूंगा, शास्त्री जी वहां खड़े होंगे अपने बेटे के साथ, और तिरंगा वहां पाकिस्तान के अंदर लहराया हुआ है, 1965 की बात कर रहा हूँ। 1971 में बांग्लादेश बन गया, फिर 1999 में कारगिल वॉर हुआ, उस समय भी आपने देख लिया, तो चार चार जंग हुई है। और आपके यहाँ पता नहीं क्या पढ़ाते कि हमने 65 की जंग में इंडिया को मुंहतोड़ जवाब दिया, कहाँ मुंहतोड़ जवाब दिया भैया, कहाँ दिया। आप देखिए आर्टिकल 370 हमने हटाया, पहले की कांग्रेस सरकार जो थी 70 साल देश पर राज किया, क्यों नहीं हटा पाई वो, उनमें विल पावर नहीं था या फिर वो ईमानदार नहीं थी। मोदी साहब ने जब किया ये काम तो किस तरीके से किया आप देखिएगा, यूट्यूब पर वीडियो भरे पर, पहले सिर्फ पत्थरबाज और गोलियां चलाने वाले टेररिस्ट होते थे, फौज का राज होता था, आज वहां पर G20 जैसे मीटिंग्स हो रही है, हमारे ऑपोजिशन के लीडर राहुल गांधी वहां जलसे कर रहे हैं, मतलब वहां पर पब्लिक में जा करके मिल रहे हैं लोगों से। तो ये मोदी साहब ने काम किया है, इनकी पूरी कैबिनेट उनके साथ खड़ी रही, तो और इसके लिए अगर इमरान खान साहब तारीफ करते हैं तो वो जेन्युइन तारीफ है, मतलब मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैं इंडियन हूं। आप देखिए उनके काम, आप देखिए ये दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है ये गालिब कि साहब इमरान खान इंडिया और उनके बीच में एक नेक्सस या पर्दे के पीछे कोई बातचीत चल रही है, ये कहना बहुत मतलब हम तो खुश होंगे कि भैया एक पड़ोस के मुल्क का जो कि हमारा दुश्मन मुल्क है। पहले पाकिस्तान के अंदर जो हालात चल रहे थे बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन थी, मगर अब आर्मी और पुलिस ने मिलकर उस पर कंट्रोल कर लिया। मगर हमारे सामने अपडेट्स ये आ रही हैं कि बहुत से लोगों को सजा सुना दी गई है, 15-15 साल की जेल कर दी गई है। बहुत से लोग जैसे दो पाकिस्तान से जर्नलिस्ट गायब हो गई हैं, बिल्कुल उनका अता पता नहीं है, उनकी फैमिलीज बहुत ज्यादा परेशान है। 16 लड़कियां पकड़ी गई थी जिसमें से एक एक करके बहुत सी रिहा हो गई, मगर उन दो का अभी तक कोई अता पता नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सिचुएशन अंडरग्राउंड चल रही है इसको लेके क्या कहेंगे? क्योंकि पहले जो फ्रंट फेस था पूरी दुनिया उस पे हंस भी रही थी, बोल भी रही थी, उसको तो किसी तरह से दबा देखिए लिया गया है। अब जो इंटरनल मैटर्स है उनको लेके क्या सोचते हैं? सबसे पहले ना जो आपके यहाँ सिचुएशन अभी चल रही है इसके बारे में बात करने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंडर में जाते हैं हम। बैकग्राउंड में ये है कि 65 अरब डॉलर का जो चीन ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है सीपेक पर, ठीक है, अभी तक जो गवर्नमेंट्स थे आपकी, नवाज शरीफ साहब थे, वो चीन परस्त थे, चीन परस्त नेता थे, तो चीन ने इन्वेस्टमेंट भी किया, चीन का जो शी जिनफिंग आए थे आपके यहाँ, तो जो आपके नवाज शरीफ साहब है उन्होंने बड़ा अच्छा इस्तकबाल भी किया था उनका। और ये इमरान खान जो है ये अमेरिका परस्त बताए जाते हैं जो हमारे यहाँ बातचीत चल रही है, और ये जो है दूसरे खेमे के हैं। आर्मी चाहती है कि चीन से पैसा आता रहे, मतलब वो चाहती तो ये कि हर जगह से पैसा आए, और जो भी सेंटर में जो आदमी बैठा रहा है वो इनका पिट्ठू रहे, इनके इनका मोहरा रहे, और वो मोहरा जो आर्मी बोले वही काम करे, उसके अलावा कोई काम ना करे। तो एक तरफ चीन का इन्वेस्टमेंट आ रहा था, और समय के साथ चीन ने क्या किया, जब आपके यहाँ टर्मोइल होता हुआ देखा, आपने लोगों पर हमले होते हुए देखे, तो चीन ने अपना इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। उसके पीछे दूसरे कारण ये भी थे कि साहब चीन के पास अपने जो वो भी इकोनॉमिक क्राइसिस में घिर गया है कोविड के बाद से, तो वो भी अपना इन्वेस्टमेंट जो है फॉरेन कंट्रीज में कम कर रहा है, जहां नहीं कर रोक सकता है वहीं पर कर रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान जो है, अच्छा
छिन कांग जो है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, G20 मीटिंग में यहां पर आए थे इंडिया में, उसके बाद वो पाकिस्तान गए। पाकिस्तान जाके बिलावल भुट्टो के साथ कोई मीटिंग की उन्होंने, और उस मीटिंग के सिर्फ 48 घंटे, 48 से 50 घंटे होंगे, उसके बाद ये सारा ड्रामा क्यों शुरू होता है? आप समझ गए क्यों क्यों शुरू होता है? भाई इमरान खान अमेरिका परस्त है, चीन को लगा होगा जो हम लोगों का अजम्पशन है यहाँ पर इंडिया में, जो मैं जिन सर्कल्स में बात करता हूँ और जो जिस तरह से हम लोग नजर बना के रखते हैं पाकिस्तान के मामलों पर, उसमें होता यह है कि छिन कांग और चाइना नहीं चाहता है कि पाकिस्तान में, जहां पर चीन ने इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया है, वो पाकिस्तान चीन के हाथ से निकल के पाकिस्तान के हाथ में चला जाए। ठीक है, ये सारी जो कवायद है, मैं जो जिस नजरिए से देख रहा हूं इसे, उसके पीछे वजह सिर्फ यही है कि अब ये जो बैटल ग्राउंड है ना पाकिस्तान, इसके जो दो योद्धा हैं, जो दो शमशीर लेकर खड़े हैं हाथों में, एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ अमेरिका है। चीन जो है अमेरिका की जगह वर्ल्ड पावर के तौर पर लेना चाहता है, जबकि वो तैयार नहीं है, और खैर इस समय वो एक अलग चीज हो गया, लेकिन पाकिस्तान बैटल ग्राउंड बना है, और उसी के चलते ये जितनी भी मारामारी हो रही है आपके यहाँ, वो इसी वजह से हो रही है, और कोई वजह नहीं है इसकी। सर, पाकिस्तान के एक इन्फ्लुएंसर की जानिब से ये सुनने को मिला कि पाक आर्मी जो है वो टेररिज्म का गढ़ था, मगर हमेशा से वो ये बात जानते हैं और बहुत से लोग भी ये बात जानते हैं, मगर अब जो पाक आर्मी ने किया है वो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। उस इन्फ्लुएंसर का ये बयान है, इस पे क्या कहेंगे, जिसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है इंडियन चैनल्स ने, हर हर चैनल के ऊपर ये जो है हाईलाइट बन के चली है कि पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर ने ये बात कही है, शयान अली उनका नाम है। कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट की आप बात कर रही है ना, कि पाकिस्तान में टेररिस्ट, देखिए टेररिस्ट जो है पाकिस्तान में, वो इंडिया से बेहतर कौन जान सकता है? हमारा बट जो जम्मू कश्मीर, डू यू रियली थिंक दैट टेररिज्म इज एफिलिएटेड विद आर्मी? आर्मी पाल रही है, प्रॉक्सी वॉर इंडिया के खिलाफ चल रहा है, मतलब इंडिया के खिलाफ इन लोगों ने चलाया है। अब उसका इस्तेमाल ये अपने पॉलिटिकल राइवल्स को खत्म करने के लिए कर रहे होंगे, हो सकता है कर रहे हों, इसके इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है। क्योंकि आप देखिए, अमेरिका जब अफगानिस्तान से निकला था, रूस निकला था, और रूस को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने मुजाहिदीन बनाए थे, अब वो मुजाहिदीन जाए कहाँ? तो उसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया था इंडिया में ट्रबल फैलाने के लिए, और अफगानिस्तान में और ट्रबल फैलाने के लिए, बाकी सारे जैसा कि हुक्मरानों के बारे में आपके यहाँ बोला जाता है। ठीक है, अब क्या है, ये जो अभी सबसे बड़ी बात तो ये है कि इमरान खान के घर में 40 आतंकवादियों की, 40 टेररिस्ट होने की बात की गई थी, आर्मी ने इल्जाम लगाया था। अगर आप उसके बारे में जानना चाह रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पीएम, किसी भी कंट्री का पीएम अपने घर के अंदर इस तरह से टेररिस्ट को रखेगा कि वो मतलब जर्नलिस्ट तक बात पहुंचे और उसकी बदनामी हो जाए, ऐसा कोई नहीं करेगा। ये आर्मी की चाल हो सकती है, इमरान खान के ऊपर एक एलिगेशन लगा के उनके ऊपर कोर्ट मार्शल या दूसरे तरीके के जुल्म उठाने की, ये एक बात हो सकती है, लेकिन बतौर पीएम कोई अपने घर में नहीं रख सकता है। मतलब किसी भी कंट्री का पीएम जो होगा, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर के आया है, वो ऐसा काम कतई नहीं करेगा। और ये जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, और जर्नलिस्ट में एक सेक्शन ऐसा होता है जो हमेशा एम्बेडेड होता है, परदेश में भी जो जर्नलिस्ट वगैरह रहते हैं किसी मुल्क के, तो वो एम्बेडेड होते हैं, वो वहां के जो उस कंट्री के जो एस्पियोनेज नेटवर्क होता है उसके लिए काम करते हैं, ये बात हम सब जानते हैं। तो देश के अंदर भी, आपके मुल्क के अंदर भी इस तरह के काम करवाए जा सकते हैं, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन्होंने, आर्मी ने बोला होगा या जो भी पर्दे के पीछे बात हुई हो, उसके तहत इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगाएगा। और मैं भी कुछ समय पहले आपके अपने किसी टेलीविजन चैनल पर देख रहा था कि आपके यहाँ को कोई जर्नलिस्ट इमरान खान के पूरे कोर्ट यार्ड में जा रहा है, वहां पर वो उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो लोग वहां मौजूद हैं, कोई सो रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन टेररिस्ट तो एक भी नहीं दिखा वहां पर भी। और जर्नलिस्ट वो गलत क्यों दिखाएगा? अगर किसी न्यूज चैनल के लिए वो काम कर रहा है तो वो गलत जानकारी नहीं देगा। तो ये जो पर फिर आर्मी भी का इल्जाम, जी आर्मी का जो इल्जाम लगाना है इमरान खान के ऊपर, वो उसकी पब्लिक इमेज को डिमीन करना है, ये बताना है पब्लिक में कि इमरान खान जो है एक टेररिस्ट परस्त आदमी है, और टेररिस्ट के साथ आर्मी के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसलिए हम उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए पब्लिक भी उनके पीछे हो जाएगी। क्योंकि आर्मी ने कुछ समय पहले देखा था, जब इमरान खान को अरेस्ट किया जा रहा था, तो कितना बड़ा मतलब सैलाब आ गया था, और 20 लोगों की जान चली गई थी उसमें। तो ये दिखाता है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी क्या है। दूसरी बात ये भी है कि लोग जो है आर्मी से पक चुके हैं, कोई भी आर्मी को देखना नहीं चाहता है आपके यहाँ।
अभी तक तो सिर्फ आर्मी ही रूल कर रही थी ना, आर्मी ने अपने मोहरों को बैठा करके रूल चलाया है कंट्री का, लेकिन इमरान खान आर्मी के क्लचल से बाहर निकल के अपने दम पर शायद कुछ करना चाह रहे होंगे, ये बात आर्मी को रास नहीं आ रही थी, इस वजह से ये सारा ड्रामा किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक राज की बात पूछना चाहूंगी, ऑनेस्टली मुझे इसका जवाब दीजिएगा। इमरान खान जी बहुत ज्यादा फेवर करते हैं हर चीज में, इंडिया को देखो, पीएम मोदी को देखो, मोदी सरकार को देखो, सीखो उनसे कुछ, ये स्टेटमेंट बहुत दफा दे चुके हैं। दूसरी जानब, अभी तक ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, जितने भी लोगों से मैंने इंडियन से इंटरव्यूज किए, यकीन करें उनमें से 99% लोग 99% इमरान खान की फेवर में थे। इमरान खान इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट इंडिया और अप्रिशिएट इंडिया, और इंडियंस जो है वो भी इमरान खान पर यही जो राबता है ना, इसको देखते हुए पाकिस्तानी हुकूमत ये कहती है कि ये इंडिया के कहे पे चल रहा है, इसलिए पाकिस्तान में क्लेश मचाया हुआ। अदर देन दैट, पाकिस्तान के अंदर अभी हमारे पास एक ये भी न्यूज आई थी कि पाकिस्तान में इमरान खान ने वो कर दिया, पाकिस्तान की इकोनॉमी, अवाम और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, जो इंडिया 75 साल में ना कर सका। तो इन तमाम सिनेरियोज को देखते हुए क्या कहेंगे? देखिए, ये दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है ये गालिब, कि साहब इमरान खान इंडिया और उनके बीच में एक नेक्सस या पर्दे के पीछे कोई बातचीत चल रही है, ये कहना बहुत मतलब हम तो खुश होंगे कि भैया एक पड़ोस के मुल्क का जो कि हमारा दुश्मन मुल्क है उसका पीएम हमारे कहे पर चल रहा है और वो हमारी तारीफें कर रहा है, तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये अगर आप सही मायने में देखें तो इसका कोई वजूद है नहीं, इसके पीछे कोई कारण है नहीं अगर आप ये जानना चाहती हैं। और दूसरी बात यह कि जो मोदी की वो तारीफ कर रहे हैं, मोदी की तारीफ आज पाकिस्तान ही नहीं कर रहा है, मोदी की तारीफ आज दुनिया कर रही है। अभी कुछ समय पहले एक सर्वे हुआ था, मैं पढ़ रहा था, उसमें 78 पॉइंट्स लेकर के मोदी नंबर वन थे वर्ल्ड लीडर्स में, जहां पर ये आपके पुतिन भी हैं, जहां पर बाइडेन भी हैं, जहां पर शी चिनफिंग भी हैं, टर्की के एर्दोगान भी हैं, तो उसके बावजूद इतने सारे नेताओं के होने के बावजूद भी मोदी जो है नंबर वन पर चल रहे थे, और उन्होंने इकॉनमी जो इंडियन इकॉनमी है उसे तो बहुत बेहतर किया है, साथ में पिछले 8 बरसों में अगर आप देखें तो इंडिया का जो वर्ल्ड इमेज है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि इंडिया की ये वर्ल्ड इमेज बनेगी, और ये किस वजह से हुआ है, मोदी जी 8 सालों में एक दिन की भी छुट्टी नहीं लिए, आज तक भी उन्होंने एक दिन की छुट्टी नहीं ली, और वो जब किसी वर्ल्ड लेवल पर मीटिंग में जाते हैं, वन टू वन टॉक के लिए किसी भी कंट्री में जाते हैं, तो उनकी जैसे मीटिंग होगी ना, तो मीटिंग इस तरह से होती है उनकी कि साहब सुबह 9 बजे एक मीटिंग, फिर दिन में 11 बजे एक मीटिंग, फिर 2 बजे एक मीटिंग, फिर 4 बजे मीटिंग, 5 बजे मीटिंग, रात 9 बजे मीटिंग, और उसके बाद उसी दिन रात को प्लेन से चढ़ के चल के आ जाते हैं। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, उन्होंने भी एक बार बोला था किसी मैं उनके वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने बोला था कि किसी कंट्री में वो लोग जा रहे थे, तो उनका 5 दिन का दौरा था, तो बोलते 3 रातें तो उन्होंने प्लेन में ही सो करके बिताई हैं, मतलब वो जब ट्रेवल कर रहे हैं उस समय प्लेन में सो गए, उठे, कपड़े चेंज किए, जाके मीटिंग हुई, एक मीटिंग हुई, दो मीटिंग, एक एक दिन में तीन तीन चार चार मीटिंग उन्होंने की, और जबकि हमारे पहले के पीएम जो जाते थे वो एक मीटिंग आज होगी, दूसरी मीटिंग कल होगी, तीसरी मीटिंग परसों होगी, उसके बाद एक दिन हम आराम करेंगे, और जर्नलिस्ट को अपने प्लेन में भर भर के ले जाते थे, प्राइवेट चैनल के जर्नलिस्ट को, उन्हें महंगे गिफ्ट दिए जाते थे, उन्हें शराब की बोतलें दी जाती थी, इसलिए जर्नलिस्ट पहले के पीएम्स के बारे में बहुत अच्छा अच्छा लिखते थे, और मोदी की इतनी बुराई भी करते थे, मोदी की बुराई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोदी साहब किसी को मतलब दूरदर्शन जो हमारा सरकारी टेलीविजन चैनल है उसके जर्नलिस्ट को ही बस लेकर के जाते हैं, बाकी अगर आपको आना है प्राइवेट चैनल से आप तो आप अपने खर्चे पर आइए, हम नहीं लेके आएंगे आपको, और हमारी मीटिंग जो इतनी टाइट होंगी, हम हमारे मुल्क का एक भी पैसा बर्बाद नहीं करेंगे भी, अगर हम एक दिन में 3 मीटिंग करके काम पूरा करके एक दिन में ही वापस आ सकते तो हम क्यों नहीं आए, तो इस वजह से, और ये सारी चीजें दिख रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रही हैं, आप देखिए आर्टिकल 370 हमने हटाया, पहले की कांग्रेस सरकार जो थी 70 साल देश पर राज किया क्यों नहीं हटा पाई, वो उनमें विल पावर नहीं था या फिर वो ईमानदार नहीं थी, मोदी साहब ने जब किया ये काम तो किस तरीके से किया आप देखिएगा, यूट्यूब पर वीडियो भरे पड़े हैं उसके कितने, जबकि जो हमारे राज्यसभा है ना, क्या बोलते हैं उसे अंग्रेजी में, अपर हाउस, अपर हाउस में हमारे उतने बीजेपी के उतने मेंबर्स नहीं है जितने लोअर हाउस में लोकसभा में है, बावजूद इसके उन्होंने 370 आर्टिकल लागू किया, और किस मुश्किल से किया, और आज देखिए कश्मीर की हालत एकदम बदल रही है, कश्मीर
पहले सिर्फ पत्थरबाज और गोलियां चलाने वाले टेररिस्ट होते थे, फौज का राज होता था, आज वहां पर G20 जैसे मीटिंग्स हो रही हैं। हमारे ऑपोजिशन के लीडर राहुल गांधी वहां जलसे कर रहे हैं, मतलब वहां पर पब्लिक में जा करके मिल रहे हैं लोगों से। तो ये मोदी साहब ने काम किया है, इनके पूरी कैबिनेट उनके साथ खड़ी रही। तो और इसके लिए अगर इमरान खान साहब तारीफ करते हैं तो वो जेन्युइन तारीफ है। मतलब मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैं इंडियन हूं, आप देखिए उनके काम आप देखिए। तो इस वजह से मतलब मोदी साहब कितनी तारीफ हो रही है और इंडिया की तारीफ हो रही है। पंकज जी, आपने यहाँ पे G20 का जिक्र किया, कश्मीर में होने वाली, ये भी एक बहुत बड़ा इतिहास खड़ा हुआ है फिल वक्त पाकिस्तान में, कि हर पाकिस्तानी पॉलिटिशियन की जुबान पे ये बात है कि G20 कश्मीर में ही क्यों। अदर देन दैट, इंडिया भी इस चीज को लेके काफी इनसिक्योर हो गया है कि पाकिस्तान की तरफ से कभी भी हमला हो सकता है, क्योंकि बहुत से न्यूज चैनल पे उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की है टर्की को कि आप लोग एक मीटिंग तो वहां अटेंड कर रहे हैं, दूसरी के लिए हम आपको वार्न कर रहे हैं मत जाइएगा, हमारे साथ ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। चाइना भी आपके सामने नहीं आया, पाकिस्तान से दोस्ती निभाते हुए, या पता नहीं क्या क्लैशेस तो उनके हमेशा चलते रहते हैं। तो इन तमाम सिनेरियोस को देखते हुए क्या कहेंगे कि क्या सिक्योरिटी इश्यूज वहां फेस करने पड़ सकते हैं बिकॉज ऑफ पाकिस्तान इंडिया को कश्मीर के अंदर? देखिए सिक्योरिटी इश्यूज हो जरूर सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की फौज से नहीं है, पाकिस्तान के टेररिस्ट से हैं। फौज, मैं आपको अगर ओपनली आप पूछें तो मैं यही बोलूंगा, पाकिस्तान की फौज में अभी इतना दम नहीं है कि फर्स्ट हैंड आकर के लड़ाई लड़ लें। वो प्रॉक्सी वॉर ही लड़ सकते हैं, ये ही उनकी काबिलियत है, इससे ज्यादा वो आगे बढ़ नहीं सकते। क्योंकि 1948 में एक जंग हुई थी, उसमें हारे। 1965 में हुई थी लाहौर में, एक पुलिस स्टेशन में जो झंडा फहरा है, मेरे पास कुछ किताबें पड़ी होंगी, मैं कभी उसकी फोटो आपको भेजूंगा। शास्त्री जी वहां खड़े होंगे अपने बेटे के साथ और तिरंगा वहां पाकिस्तान के अंदर लहराया हुआ है। 1965 की बात कर रहा हूँ। 1971 में बांग्लादेश बन गया, फिर 1999 में कारगिल वॉर हुआ, उस समय भी आपने देख लिया। तो चार चार जंग हुई है, और आपके यहाँ पता नहीं क्या पढ़ाते कि हमने 65 की जंग में इंडिया को मुंहतोड़ जवाब दिया। कहाँ मुंहतोड़ जवाब दिया भैया, कहाँ दिया? मतलब हमारे, खैर उसके डिटेल में जाना जरूरी नहीं है, मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की फौज से हमें कोई परेशानी नहीं है। मतलब वो आएगी नहीं, टेररिस्ट आएंगे, इसलिए ये सारी ये जो इंतजाम हो रहे हैं सुरक्षा के, वो हो रहे हैं। दूसरी बात, पाकिस्तान क्यों परेशान है G20 मीटिंग से? पाकिस्तान तो G20 कंट्रीज का जो संगठन है इसका मेंबर भी नहीं है, और हम जो मीटिंग कर रहे हैं अपने श्रीनगर में कर रहे हैं भाई। श्रीनगर मतलब हमारा कश्मीर है, वो आपने जो ऑक्यूपाई कर रखा है वहां अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है जल्दी सर, वहां भी आपका कहें। कश्मीर नहीं है, आपका कश्मीर नहीं है, वो हमारा कश्मीर है और एक दिन हम लेके रहेंगे। अच्छा, ये भी एक ख्याल अच्छा है कहने सुनने के लिए, लेकिन वो कश्मीर, पूरा जम्मू कश्मीर देखिए आप, जब 1947 में जो राजा हरि सिंह ने इंडिया के साथ एक करार किया था, जाके डिटेल्स वगैरह पढ़ें तो उसमें पता चलेगा कि कश्मीर ने मतलब हमारे साथ आना अपने अपनी मर्जी से तय किया था कि हम इंडिया के साथ रहेंगे। बाद में कबायलियों के भेस में आपके जो फौजी हैं वो आकर के अटैक किए, फिर AN-12 में भर के हमारे यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे होम मिनिस्टर थे, उन्होंने हमारी फौज को भेजा, तब जाकर के वहां पर जहां तक हम रोक सकते थे रोके। उसके बाद फिर वो जो नेहरू साहब ने ऑल इंडिया रेडियो से सीज फायर, मतलब दुनिया में पहली बार हो रहा है कि साहब जीती हुई फौज सीज फायर बोल रही है, वो बोला उन्होंने। ये सबसे बड़ा, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसे बेवकूफी ही कहा जाएगा और कुछ नहीं कह सकते। बट एनी वेज, G20 मीटिंग के अगर आप बात कर रहे हैं तो हम जो सुरक्षा के इंतजाम हो रहे हैं वहां पर, वो सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से आने वाले टेररिस्ट के हो रहे हैं। दूसरी चीज, जो आपने टर्की की बात की, टर्की जो है हमारा दुश्मन था, वो भी आपका साथ दे रहा था जम्मू कश्मीर मुद्दे पर, यूनाइटेड नेशंस में चीन और पाकिस्तान के साथ एक मंच पर खड़ा था टर्की, लेकिन उसकी भी इकोनॉमिक कंडीशन देख लीजिए क्या है। आज इकोनॉमिक कंडीशन एकदम बदहाल है, वहां इन्फ्लेशन रेट मतलब 100% से ज्यादा, बल्कि कई गुना ज्यादा बढ़ गया, मुझे भी डेटा याद नहीं आ रहा है, लेकिन कई गुना ज्यादा इन्फ्लेशन रेट बढ़ चुका है। और अभी जो भूकंप आया था वहां पर, जलजला आया था जिसमें कि हमने उसे मदद भेजी थी, बावजूद उसके कुछ उसने उल्टे सीधे कमेंट्स वगैरह किए थे, बट टर्की को भी समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान के साथ होने से बेहतर है किसी राइजिंग इकोनॉमी के साथ चला जाए। मुझे जो मेरा असेसमेंट है वो ये है, एक राइजिंग इकोनॉमी के साथ, और सबसे बड़ी बात है देसी जबान में जो हमारे यहाँ बोला जाता है, पैसा बोलता है ना। तो जब आपकी मईशत अच्छी होती है, जब आपकी इकोनॉमी माली हालत अच्छी होती है, तो आप डिमांड नहीं करते, आप कमांड करते कई चीजों को, बिना बोले हुए बहुत सारे लोग आपका आपको आपको फॉलो करते हैं।
तो टर्की को लग रहा होगा कि पाकिस्तान के साथ हमें कुछ नहीं मिलेगा, जो मिल रहा है मतलब इंडिया से मिल सकता है अगर हम इंडिया के फेवर में कुछ कुछ समय के लिए आ जाएं तो। पता नहीं वो फाइनली क्या करेंगे, मुझे नहीं मालूम। दूसरी बात, अर्दोगान के यहाँ भी ये इलेक्शन हुए हैं, लग रहा है उनकी गद्दी भी शायद जाने वाली है। उसका रिजल्ट भी आया था, उसमें पता चला कि वो जो उनके ओपोनेंट थे वो शायद ज्यादा पावर पा रहे हैं, तो वो भी एक फेस सेविंग इनका एक्ट हो सकता है अर्दोगान का। घरेलू मोर्चे को भी संभालना है, बाहर भी अपना फेस सेविंग एक्ट करना है। और दूसरी चीज, इंडिया एक राइजिंग इकोनॉमी है, और यहाँ अगर श्रीनगर में कोई मीटिंग हो रही है, इससे पहले भी वो मतलब एक मीटिंग अटेंड कर चुके हैं कश्मीर में, तो वो शायद इसी वजह से उन्होंने किया है कि भाई बेहतर होगा एक राइजिंग इकोनॉमी के साथ, राइजिंग कंट्री के साथ, और एक ऐसे पॉजिटिव कंट्री के साथ जो कि किसी दूसरे कंट्री का बुरा नहीं कर रहा है, उसके साथ रहना ज्यादा अच्छा है। सर, आपको नहीं लगता हमेशा इंडियंस जो है वो पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को बुरा भला कहते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा दोनों जानिब से चलता है? इंडियंस बुरा कहते हैं, सिर्फ इतनी बात नहीं है। मैंने अब देखिए, आपके यहाँ से अगर टेररिस्ट नहीं आ रहे होते, कोई भी टेररिस्ट, हमारे पहले पंजाब में टेररिज्म फैलाया आईएसआई ने, फिर जम्मू कश्मीर में फैलाया, और एक जमाना ऐसा आ गया तो मुंबई पर अटैक हुआ, हमारे पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, पार्लियामेंट तक पर अटैक किया। अगर आप सोचिए इसराइल पर, अगर हमारी जगह कोई इसराइल होता और आपने ऐसा किया होता, आपको यकीन है कि मतलब आपको सब कुछ सेफ रहता? आप कम से कम ये मानिए कि इंडिया इतना शांतिप्रिय कंट्री है, इतना पीस लविंग कंट्री है, बावजूद अटैक नहीं किया। चाहे आप कुछ भी बोल लें, आप बोले इंडिया डर गया या पीछे हट गया, आप बोल सकते हैं वो, लेकिन असल बात यह है कि हम नहीं चाहते कि अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा करके रहें। अगर ऐसा चाहते तो आप सोचिए, जब आप आपका मुल्क बन रहा था उस समय ही हम कुछ ऐसा कर देते। इसराइल ने भी तो कुछ वैसा ही किया है ना, फिलिस्तीन का हालात देख लें, फिलिस्तीन ट्रबल क्रिएट करता रहता है और इसराइल एक सीधे सीधे बम फेंक देता है। तो अगर हम भी वैसे ही एग्रेसिव कंट्री होते हैं, असर्टिवनेस के साथ हम काम करते, तो आपका मतलब क्या हाल हो जाता, पाकिस्तान का क्या हाल होता। अगर आप टेरर, ये तो बस मैं पूरी एक चीज बोल रहा हूँ, दुनिया बस एक चीज मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके यहाँ से टेररिस्ट नहीं आते, तो देखिए आपके यहाँ से क्रिकेटर्स आ रहे थे हमारे यहाँ, आपके यहाँ से कव्वाल आ रहे थे, कव्वाली गाने, आपके यहाँ से फिल्म एक्टर्स आ रहे थे, आपके यहाँ से बिजनेसमैन हमारे यहाँ आ रहे थे, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने उनके साथ बुरा बर्ताव किया हो, बल्कि वो यहाँ से खुश होके गए। इवन हमारे यहाँ के लोग भी पाकिस्तान जाते हैं तो खुश होकर के वापस आते हैं, वो भी बोलते हैं भाई वहाँ की आवाम बड़ी अच्छी है, हमें बड़ा अच्छा लगा, बड़ी मोहब्बती आवाम है, इतना प्यार तो हमें कहीं और नहीं मिला जितना पाकिस्तान में जाके मिला। तो बस ये एक्ट अगर हट जाए कि साहब हम टेररिस्ट नहीं भेजेंगे, तो देखिए कितना मतलब आराम से हम लोग रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। जी आप कुछ पूछ रही थी, मैंने आपको रोक दिया, बोलने नहीं दिया। मेरे दिमाग से बात निकल गई है। आप पता नहीं आपको कोई पॉइंट करने लगी थी काउंटर, उसके बदले में आप चुप बोल रहे थे। मैं सिर्फ यही बोल रहा था कि अगर जो जो ये जो अटैक्स वगैरह होते हैं ना, मतलब टेररिस्ट के अटैक्स हो रहे हैं, टेररिस्ट आ रहे हैं, तो ये चीज अगर नहीं हो तो उसके बाद दोनों देशों के संबंधों में बहुत अच्छा सुधार हो सकता है। और अभी देखिए, अभी जो आपकी पहले भी आपके यहाँ जो कभी टर्मोइल आया, आर्मी ने टेक ओवर किया या फिर इकॉनमी आपकी डाउन हुई, उस समय फिर जैसे यहाँ से आलू प्याज टमाटर और वो जो घरेलू चीजें हैं, ग्रोसरी का सामान है, बाकी जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं, ये सब जाना शुरू हो जाते थे। मोदी गवर्नमेंट ने क्या कहा भाई? हाँ बताएं। मैं आपको ये बोलने वाली थी कि आपने कहा कि इंडिया जो है अगर एग्रेसिव कंट्री होता तो इस तरह से होता, लेकिन इंडिया बहुत पीसफुल कंट्री है। तो ये बात पूरी दुनिया जानती है, इंडिया बहुत पीसफुल कंट्री है। इवन मैंने पाकिस्तान में बहुत से पब्लिक रिएक्शंस किए, जिनका जवाब मुझे सुनने को मिला कि इंडिया अग्रेसिव नहीं है, पाकिस्तान एग्रेसिव कंट्री है। क्यों?